विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 16 मई बरोजे मंगल को सदर मजलिस व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसर मोहियुद्दीन ने कारवान असम्बली हलके के तहत कई सारे डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जिसमें बल्दी डिवीजन, लंगराव, साले नगर, कंचार, छोटा बाजार, काकतिया नगर कॉलोनी, शिव मंदिर और दीगर कई सारे आस पास के इलाकों में इन्होंने पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और अवाम के दरपेश मसाइल भी तलब किए गए और तमाम अहदेदारान को हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द कामों की तकमील अमल में लाई जाए। इस मौके पर कौसर मोहियुद्दीन के हमरा नाना नगर कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और लंगर हाउस कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर इब्तदाई सदूर मोतमदीन व एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर कारवान MLA कौसर मोहियुद्दीन ने एशियन TV न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहां पर जारी तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इन्होंने आवाम से भी गुजारिश की कि अगर अपने अपने इलाके जात में किसी भी तरह की बड़की, बल्दी, आबरसानी या फिर दिगर किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो रास्ते तौर पर MLA कौसर मोहियुद्दीन को या फिर कॉरपोरेटर्स वो इलाके के जिम्मेदारान को इस बात की शिकायत करें, जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मानी रहीम, आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान में मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का दौरा किया गया, जिसके अंदर लंगर हाउस बल्दी डिवीज़न के अंदर सारे नगर, कंचा, धानकोटा, शिव मंदिर इलाका, तमाम इलाकाजात का तफसीली, छोटा बाज़ार, इन तमाम इलाकाजात का दौरा हुआ और जिसके बाद सारण कॉलोनी, काकतिया नगर कॉलोनी के अंदर जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और चंद गलियाँ बाकी थे और वो ज़रूरी लाइन्स थे, आज वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ में और जोन 3 का जो काम चल रहा है 297 करोड़ का, उसी काम के अंदर कुछ काम बाकी थे कॉलोनी के अंदर और सारण कॉलोनी, काकतिया नगर और सरनगर, कंचा, शिव मंदिर, सेवन गली, इन तमाम इलाकाजात में तमाम अहदेदारों को बताया गया। इंशाल्लाह उन्होंने और कई टीम्स को बढ़ाने का तयखुन दिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर इन तमाम इलाकाजात के अंदर काम कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद जहाँ जहाँ भी बैलेंस काम है इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा काम करने की पूरा तयखुन है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 4-5 दिन के अंदर जहाँ पर भी पोल्यूशन के शिकायत थे, जियागुड़ा सर्कल डिवीज़न 4 और डिवीज़न 3 के अंदर पोल्यूशन की शिकायत थे, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को बनाएगा इंशाल्लाह। MD साहब जैसी तरीके से बाहर से आने के बाद वहां पर जाकर जल्द से जल्द सैंक्शन लेकर, मैं समझता हूं जिसमें हकीम पेट हो या गोलकुंडा हो या MD लहन हो या सारण कॉलोनी हो या सारनगर लंगर हो, जियागुड़ा, इन हल्के कारवान के तमाम वार्ड्स के अंदर जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन की शिकायत है तमाम इंस्ट्रूमेंट बनकर गए। MD साहब आने के बाद जल्द से जल्द सेंक्शन लेकर काम चालू करने का इंशाल्लाह तयखुन दी। MD साहब ख़ुद बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में जैसे तरह आने के बाद सेंक्शन लेकर काम चालू कराएंगे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके आस पास में जो बस्तियों के अंदर जो भी मसाइल रहेंगे, चाहे पानी का हो या ड्रेनेज का हो या लाइट का, जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको बताइए या मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। आज के दौरे के अंदर बल्दी डिवीज़न लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजीम सिद्दीकी साहब और नाना नगर कॉरपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, जमात के सदर मोहतमदीन, एक्टिव वर्कर साथ में थे। शुक्रिया।